अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे रोड पे काफ़ी लाइटिंग चल रही है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ काफ़ी किस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे, क्योंकि बीच पे काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो आइए बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे और देखते हैं कि किस तरीके का है ये बीच। तो आइए इनसे पूछते हैं यहाँ पे कैसा लगा आपको ये बीच। बहुत अच्छा। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? बीच ही लगी। और फोटो लेने में अच्छा। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। आप किसी को आने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर सब आओ और देखो, बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कोई आते हैं? उनसे पूछिए। मेरा बस चले तो मैं यहीं पे घर बना के बस जाऊँ। अच्छा, इतनी अच्छी जगह है। हाँ। चले, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मछली खा के कैसा लग रहा है? क्या बोलूं? मछली खा के कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है, टेस्ट बहुत खराब था। चलो, ये था नया दीघा। अब हम जा रहे हैं पुराने दीघे की तरफ, और यहाँ पे अभी फिलहाल जो है माइक लगाते हैं। वो जो मैंने दिखाया था पिछली बार पीछे की तरफ, वो था न्यू दीघा, और ये जो है नया दीघा। मैं एक बार आपको लुक दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का है। ये पुराना दीघा है। सबसे पूछ रहे हैं कैसा फीलिंग है, आप बताइए आपको कैसा फीलिंग होता है, मैं पूछती हूँ। मुझे तो हालांकि वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर आने वाले समय अगर समय दोबारा मिला तो मैं जरूर आऊंगा। जरूर आऊंगा। हाँ। मैं भी आऊंगी साथ में। अच्छा। तो भैया भी आएंगे, दीदी भी आएगी। और ये है ओल्ड दीघा, और दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके का कुछ। और पीछे की तरफ मंदिर है, अभी हम जाएंगे मंदिर की तरफ, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे किस तरीके का लगता है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं यहाँ जो स्ट्रीट पे बेची जा रही है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली मुझे लग रहा है। यहाँ पे 10 रुपये वाली आइसक्रीम आपको यहाँ पे 15 में बेची जा रही है, जो मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है। और काफ़ी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं यहाँ पे। शाम के समय जो मछुआरे हैं वो फिशिंग कर रहे थे, काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ थी। मैं आपको एक पिक्चर आपको डाल के दिखाऊँगा कौन सी मछली थी। और यहाँ पे देखिए सामने एक मंदिर है, मंदिर की पता नहीं क्या है जो देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। शायद ये शिव जी का मंदिर है। और ये है ओल्ड दीघा जो काफ़ी पहले बना था। अरे यार, ये शायद एक मंदिर है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये हनुमान जी का मंदिर है आई थिंक, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर समुद्र का जो नज़ारा है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये कैमरा भी आपको नहीं बता सकता है कि जो समुद्र है इसकी जो लहरें हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। सो इसको आपको फील करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है ना। फिलहाल हम हैं
मैं हूँ अभी ये ओल्ड दीघा में, जो आप ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, आप आकर फोटो खींच सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, और सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ काफ़ी अच्छी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे लाइटिंग जो है काफ़ी अच्छी कर रखी है। चले आगे की तरफ, और यहाँ पे मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का है। चश्मा लगाने का बहुत अच्छा लग रहा है नहीं चश्मा लगा, हाँ ये हाँ। और सामने की तरफ यहाँ पे आप आके फोटो खिंचा सकते हो। यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। फॉर कंपेयरिंग हम करते हैं न्यू दीघा से ओल्ड दीघा की, तो यहाँ पे ओल्ड दीघा में कोई आपको मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या है, आपको लाइटिंग है यहाँ पे अच्छी, यहाँ पे ओल्ड दीघा पे आपको अच्छी लाइटिंग देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी मार्केट है यहाँ पर, और जबकि न्यू दीघा में कोई भी आपको मार्केट देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर आप जा सकते हो, आराम से नहा सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है, अगर आपको फास्ट फूड ट्राई करना है, तो उसके लिए आपको ओल्ड दीघा में आना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। सो फर्स्टली आप ऐसा कीजिए कि पहले आप ओल्ड दीघा में आइए, देन उसके बाद ही अगर आप यहाँ पे घूमिए तो उसके बाद आप न्यू दीघा में जाइए। अगर आप नहाना चाहते हो तो आप सबसे पहले जाइए न्यू दीघा में। न्यू दीघा भी काफ़ी अच्छा बना रखा है, लेकिन वहाँ पे आपको कोई भी मार्केट नज़र नहीं आएगी, और आप वहाँ पे फास्ट फूड है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, काफ़ी जो है शाम के समय आप फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे स्टैचूज वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। सो एक बार मैं आपको दोबारा सारी की सारी फोटोज दिखाता हूँ।